इस बस्ती में मुझसे बदला लेने वाले ही नहीं बल्कि सोचने वालों का भी यही हश्र करूंगा। तुमसे ही मिलने आ रही थी। कौन हो तुम? क्या हुआ सूरी? कौन हो तुम? गोटी को क्यों मारना चाहती हो? तुमने देख लिया क्या? लेकिन मुझे अभी तक कोई नहीं समझ पाया। गोटी को कोई क्यों मारना चाहेगा? क्योंकि उसके हाथों से लड़कियों की बलि जो चढ़ रही है। वही तो पूछ रहा हूँ, किसकी बलि चढ़ रही है? तुम्हारी या तुम्हारे घर वालों की? मेरा पूरा परिवार उसके हाथों से बलि चढ़ा है। उसने जो किया है उसके वजह से मुझे आज तक नींद नहीं आती। उसे कैसे मारा जाए दिन रात मैं बस यही सोचती रहती हूँ। जब तक मैं उसे खत्म नहीं कर देती चैन से नहीं बैठूंगी। उसे मारने के चक्कर में तुम्हें कुछ हो गया तो? कोई परवाह नहीं, मेरे पीछे रोने वाला मेरा कोई अपना नहीं है। मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारा अपना। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें पता नहीं है? नहीं पता। तो मेरे इतना करीब क्यों आ गई हो? गोटी की जानकारी लेने के लिए। तो मुझ पर जो भरोसा करती हो इसे प्यार ही तो कहते हैं। गोटी के मरने तक मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। सुजाता, तुम चाहे मानो या ना मानो लेकिन तुम उससे प्यार करती हो। तुम्हें भरोसा है कि मैं गोटी को कुछ नहीं बताऊंगा? यही भरोसा तो प्यार है। हाँ बेटी आशा। हाँ पापा। अच्छी हो ना बेटी? मैं फर्स्ट रैंक में पास हो गई पापा। ऐसा क्या? हाँ। ए मुन्ना। हाँ भाई। ले जाके कुत्ते को डाल दो। अपनी किस्मत से तो अच्छी जानवरों की किस्मत है। देख रहे हो जानवरों से कितना प्रेम करते हैं, हम लोगों से कोई प्रेम नहीं है इन्हें, बस ऐसे ही साथ दिए जा रहे हैं। चल हट आगे से, ये ले खा ले। माँ, माँ क्या हुआ रे? क्या हुआ? क्या हुआ बोल? इनसे कहो ये बस्ती छोड़कर चली जाएं। ऐसा क्यों बोल रहा है तू? हम लोग भी कहीं और चले जाएंगे। आखिर हुआ क्या बता ना। मैं नहीं बता सकता, आप हॉस्पिटल जाके देख लीजिए। चलो बेटी। लक्ष्मी। हाँ? देखो सुजाता आई है। लच्छू, रात को बुलाया तो क्यों नहीं आई? तेरी बीवी हूँ क्या? तू जब भी बुलाएगा मैं चली आऊंगी। क्यों रे, बहुत ज्यादा बोल रही है तू, तेरी तो। लच्छू लच्छू नखरा मत कर, नखरा मत कर। लच्छू देख मान जा। लच्छू बेटी को मारेगा? उसे छोड़ दो भाई, उसके साथ कुछ मत करो। डरो मत, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अभी मैंने एक सुंदर लड़की को देखा है, जब तक वो मुझे नहीं मिल जाएगी तब तक मैं किसी का रेप नहीं करूंगा, ऐसी मैंने कसम खाई है। क्या है रे तू, मेरे घर के सदस्य को कुत्ते भी काटने से डरते हैं?
और तेरी इतनी हिम्मत की तूने मेरे दामाद को मारा? ए मुन्ना। हाँ भाई। बताओ कि इसका क्या किया जाए? सजा दी जाए। सजा नहीं, वरदान दे रहा हूँ इसे। भैया, भैया छोड़ दो। तुझे यहाँ पर पकड़ना अच्छा नहीं लगता है ना? इसीलिए अब इसे कोई भी नहीं पकड़ेगा। ए! मेरा छोटा बच्चा है दूध पीने वाला, ऐसा अन्याय मत करो भैया। हम मैं अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती हूँ। चुप हो जा लक्ष्मी, मत रो, मत रो लक्ष्मी। पुलिस केस नहीं किया क्या? उसके दामाद को मारा तो ये हाल कर दिया, उस पर केस करेंगे तो पता नहीं क्या। क्या बोल रहे हैं आप? आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ फिर भी आप कंप्लेंट नहीं करेंगे? नहीं कर सकते। चोटें जल्दी ठीक हो जाए और ये काम पर वापस जाने लगे, बच्चों को खाना देने लगे, मेरे हिसाब से आप लोगों को इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पर आप तो सोच सकते हैं ना, आपने क्यों नहीं कंप्लेंट की? सोचूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा इसका डर नहीं है मुझे, लेकिन मेरे मरने के बाद इन लोगों का इलाज कौन करेगा? कितने अच्छे से आप अपने आप को कवर कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। उन लोगों के ऊपर केस तो होना चाहिए जो मैं करूंगी। लक्ष्मी तुम्हारी रिश्तेदार है। जब उसने हादसा आंखों से देखा है तो उसके लिए रिश्ते की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है, पर सोचो ये हिम्मत कल गवाही देने तक रहेगी क्या? बिल्कुल मिलेगा। पहले तुम केस फाइल करके उसे अरेस्ट करो। तुम्हारे बोलने से अरेस्ट नहीं करेंगे, क्राइम की जगह पर जाकर इंक्वायरी करेंगे। तुमने जो कहा है अगर गोटी ने किया है ये पता चला तो गोटी तो क्या, उसके बाप को भी अरेस्ट करेंगे। चल। ये तो लक्ष्मी के पति है, आपने इन्हें क्यों अरेस्ट किया? पत्नी के ऊपर शक के कारण इसी आदमी ने उसके स्तन को काट दिया। सैडिस्ट कहीं का। दूध पीने वाला बच्चा है तू? इतनी सी अकल नहीं है तुझे? ये झूठ है सर। अच्छा ये झूठ है, बता बे, बोल किसने किया ये काम, बोल बोल ना। मैं नहीं किया सब, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। दारू के नशे में मैंने उसका स्तन काट डाला। ले चलो